जब भी हम दो फसलों की बुआई एक साथ एक ही खेत में करते हैं तो इस सिस्टम को इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम कोई सी भी दो फसलों की बुआई तो एक साथ कर नहीं सकते, नहीं तो हमारी एक्स्ट्रा आमदनी होने के बजाय उल्टा हमारी लागत भी ना निकली। इसलिए किन दो फसलों की बुआई हमें एक साथ करना है यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी महीने में हम हमारी 2.5 एकड़ कृषि भूमि को किस तरह से डिवाइड करें कि हमारी आमदनी भी दोगुनी हो जाए और हमारा रिस्क फैक्टर भी कम से कम रहे। अब हमने 2.5 एकड़ कृषि भूमि ही क्यों चुनी, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। जनवरी महीने में हम कौन कौन सी फसलों की खेती कर सकते हैं, इसकी जानकारी पहले ही हमने एक वीडियो में कवर की है। लेकिन इन फसलों की बुआई हम कितने एरिया में किस समय पर करें, इस पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम हमारे 3 किसान भाइयों के कमेंट को भी पिक करेंगे और उनके जो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछे गए उनके जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में मिर्च व प्याज की फसल लगाएं। हमने आधा एकड़ में मिर्च व प्याज की फसल को इसलिए चुना है क्योंकि मिर्च की फसल से हमें उत्पादन मार्च महीने के अंत में मिलेगा व प्याज की फसल से मई महीने, और इन दोनों फसलों में हमारी काफ़ी ज़्यादा लागत आती है। इसलिए हमारे रिस्क फैक्टर को कम करते हुए हम इन दोनों फसलों की बुआई आधा एकड़ में करेंगे। आप 15 जनवरी के आसपास सबसे पहले प्याज के पौधों का पौधारोपण खेत में कर दीजिए। फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में आप मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट जो आपने बेड बनाए हैं इनके ऊपर कर दीजिए। मिर्च व प्याज की सफल इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सन 1999 और 2000 में मिर्च व प्याज की सफल इंटरक्रॉपिंग के लिए एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च का परिणाम यह निकला कि अगर आप मिर्च की खेती के साथ में प्याज की सफल इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो प्याज के पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर व रो से रो की दूरी भी आप 50 सेंटीमीटर रखें। अगर आप इस दूरी से कम पर प्याज के पौधों का पौधारोपण करते हैं तो आपका मिर्च का उत्पादन भी कम होगा और प्याज का उत्पादन भी कम होगा। 1 हेक्टेयर में 4 कंडीशंस पर रिसर्च की गई, जिसमें प्याज के पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर रखी। जहां पर 50 सेंटीमीटर प्याज के पौधे की दूरी रखी थी वहां पर सबसे अच्छा रिजल्ट निकला। सन 99 में प्याज व मिर्च की इंटरक्रॉपिंग से होने वाली आमदनी मिर्च और प्याज की सिंगल आमदनी की तुलना में 1.5 गुना अधिक थी। आप प्याज के पौधों की बुआई मिर्च के 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह पर कर सकते हैं। मिर्च की फसल के साथ में इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग करने की गलती ना करें, बीन्स और ब्रोकली। मिर्च की फसल के साथ में हम कौन कौन सी फसलों की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, इस पर अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो पर जब 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा तो हम आपके लिए मिर्च की खेती के साथ में कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अब बाकी बचे 2 एकड़ में से आधा एकड़ में आप भिंडी व धनिया की फसल लगा। आप इन दोनों फसलों की सफल इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में कर सकते हैं। हमने आधा एकड़ में इन दोनों फसलों को इसलिए चुना है क्योंकि इन दोनों फसलों में हमारी लागत कम आती है तो हमारा रिस्क फैक्टर भी कम रहेगा। इसके साथ ही धनिया की पहली हार्वेस्टिंग 45 दिन के बाद ही आ जाएगी व भिंडी की 60 से 65 दिन में, जो कि जून महीने तक चलेगी, यानी कि पूरे 6 महीने तक। यह भी एक कारण है इसलिए हमने इन दोनों फसलों को आधा एकड़ के लिए चुना। धनिया की फसल की हार्वेस्टिंग करते समय आप इसे काटने के बजाय सीधा जड़ से उखाड़ लें। इस तरह से आपका निंदाई गुड़ाई का खर्च भी बचेगा और भिंडी की निंदाई गुड़ाई भी हो जाएगी। आप इन दोनों फसलों की बुआई 15 जनवरी के बाद में। धनिया की फसल भिंडी की फसल के लिए किस तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगी, इस पर डिटेल में एक वीडियो आएगा। भिंडी के बीजों की बुआई करते समय आप 20 से 20 की दूरी 1 फीट और रो से रो की दूरी भी 1 फीट लें। आधा एकड़ में आप पत्ता गोभी की फसल को लगा। हमने इस आधा एकड़ के पत्ता गोभी के खेत से 75,000 रुपए के आसपास में आमदनी की, जिसकी डिटेल हमने आपको पहले ही एक वीडियो में दी। वह पत्ता गोभी की खेती के लिए हमें कौन सा स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना है इसकी जानकारी भी हमने उस वीडियो में दी, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें हमने 1.25 एकड़ के लिए पत्ता गोभी की खेती की है 2 अलग अलग अन्य खेतों। हमारी फसल 45 दिन की हो गई है और 15 से 20 दिनों में हमारी पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। आप पत्ता गोभी के साथ में मेथी की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
उसके लिए आप सबसे पहले मेथी के बीजों का छिड़काव हमने जो क्यारियाँ बनाई हैं इनमें कर दें। उसके बाद में आप शाम के समय पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। इस तरह से आप मेथी व पत्ता गोभी दोनों की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप जनवरी के तीसरे सप्ताह में पत्ता गोभी के पौधों का पौधारोपण खेत में करें। 2.5 एकड़ में से 1.5 एकड़ में हमें क्या बोना है यह तो फिक्स हो गया है। अब बाकी बचे 1 एकड़ में से 0.5 एकड़ में आप फूल गोभी व गेंदे की फसल लगाएं। आप इन दोनों फसलों की बुआई जनवरी के 3rd वीक में करें। हमने खुद ने 2 एकड़ में अभी फूल गोभी की फसल लगा रखी है, जिसमें से इस 0.5 एकड़ के खेत की हार्वेस्टिंग हो गई थी और इसमें हमने वापस से फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दिया। यह थोड़ा सा पोर्शन हार्वेस्टिंग के लिए बच गया था जिसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, और उधर 0.25 एकड़ में भी हमारी हार्वेस्टिंग अभी भी चल रही है। अभी हमें पिछले कुछ दिनों से फूल गोभी का मंडी थोक भाव 40-45-50 रुपए के कुछ इस तरह से मिल रहा है। इसलिए आप जनवरी महीने में 0.5 एकड़ में फूल गोभी की खेती अवश्य करें। एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए आप फूल गोभी के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप जो क्यारियाँ देख रहे हैं इन क्यारियों की मेड़ों पर आप गेंदे के पौधों का पौधारोपण कर सकते हैं। गेंदे की भी अच्छी डिमांड रहती है मार्केट में, और वापस से शादियों का सीजन आने वाला है तो हो सकता है कि आपको गेंदे के भी एक अच्छी प्राइस मिल जाए। आप फूल गोभी की खेती के साथ में इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग करने की गलती ना करें। शिमला मिर्च और टमाटर, अब हमारे पास में 0.5 एकड़ कृषि भूमि बची है। 0.5 एकड़ के आधे हिस्से में आप गिलकी और मेथी की इंटरक्रॉपिंग एक साथ कीजिए। इन दोनों की बुआई आप 15 जनवरी के बाद में करें। इन दोनों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ किस प्रकार से करते हैं इसकी जानकारी हमने आपके साथ में पहले ही शेयर की। अगर आपने हमारा दिसंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मेथी की हार्वेस्टिंग 30-35 दिन में आ जाएगी, फिर इसके बाद में गिलकी की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। इन दोनों फसलों का भाव ज्यादातर कम रहता है, इसलिए हम इनकी बुआई 0.5 एकड़ के भी आधे हिस्से में कर रहे हैं। बाकी बचे 0.5 एकड़ के आधे हिस्से में आप टमाटर व मूली की फसल लगाएं। मूली की फसल का भाव गर्मी के सीजन में काफी अच्छा मिलता है, और जब तक गर्मी का सीजन आएगा तब तक आपकी मूली की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। आप इन दोनों फसलों की बुआई जनवरी के अंतिम सप्ताह में करें। टमाटर की फसल में काफी ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए हमने टमाटर की फसल 0.5 एकड़ के भी आधे हिस्से में लिए ताकि हमारी रिस्क कम से कम रहे। आप मूली के बीजों की बुआई टमाटर के बेड की निचली सतह पर भी कर सकते हैं, या फिर 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह पर भी कर सकते हैं। टमाटर के साथ में आप इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग करने की गलती ना करें। पत्ता गोभी, ब्रोकली, मक्का और आलू की फसल। इस 2.5 एकड़ के इंटरक्रॉपिंग मॉडल के क्या क्या फायदे हैं? मेथी, प्याज और धनिया की फसल से हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च बचेगा, जो कि आता 8-10 हजार रुपए, यानी कि हमने इन फसलों की बुआई करके 8-10 हजार रुपए की बचत करी, और इसके साथ में इन फसलों से जो हमें आमदनी होगी वह अलग। मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग फरवरी महीने से ही चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद में धनिया की फसल की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। मार्च महीने से आपकी पत्ता गोभी, फूल गोभी और भिंडी, टमाटर की हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी, व मई महीने में आपकी प्याज की फसल भी आ जाएगी। इस तरह आपकी आमदनी फरवरी महीने से चालू होकर मई से जून महीने तक चलेगी, यानी कि पूरे के पूरे 6 महीने। तो यह सबसे बड़ा फायदा है 2.5 एकड़ के इंटरक्रॉपिंग मॉडल का। हमारी सितंबर महीने से आमदनी शुरू हुई थी जो कि फरवरी महीने तक चलेगी। इसमें हमारी क्या क्या आमदनी हुई हमने आपको बीच बीच में कुछ वीडियो में जरूर बताया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि दिसंबर महीने में हमने कितनी आमदनी करी, इस पर डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करें। जैसे ही 5000 लाइक्स कंप्लीट होंगे हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आ जाएंगे। अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बोला था कि हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट को पिक करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। हमारी पहली कमेंट है सुमिति कुमार की। इनका सवाल है कि राजस्थान के चूरू में पपीता की खेती कर सकते हैं या नहीं? आप राजस्थान के चूरू में पपीता की खेती कर सकते हैं। पपीता की खेती का सबसे सही समय 15 मार्च से 15 मई के बीच में, तो आप इस समय पर पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। हमारी दूसरी कमेंट है दास की। इनका सवाल है कि मेथी का सब्स्टिट्यूट क्या है और ककड़ी की बुआई हम जनवरी महीने में कर सकते हैं या नहीं? मेथी की जगह आप पालक, धनिया और चोले की फसल लगा सकते हैं। आप फरवरी महीने में ककड़ी की खेती करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी आज की लास्ट कमेंट है विपिन कुमार की। इनका सवाल है कि मार्च महीने में मूली की फसल लगा सकते हैं या नहीं? आप मार्च महीने में मूली की फसल लगा सकते हैं, और अगर आप जनवरी महीने में लगाना चाहते हैं
तो 15 जनवरी के बाद में आप मूली की बीजों की बुआई खेत में करेंगे तो अच्छा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कमेंट लें और आपके सवालों का जवाब दें, तो इसके लिए आप इस वीडियो में आपके जो भी सवाल है वह हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।